का संगीत और गीत का प्रोग्राम अब समाप्त हो चला है हमारे आज के मुख्य अतिथि मैं कहूँगा सैमी साहब आप ही हैं सर आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया मैं निखिल जी को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने हमें आप तक पहुँचाया और आपने आज इतना समय दिया आप प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में आ गए थे मैं सिटी सिंगर्स की तरफ से आपको बहुत आभार प्रकट करता हूँ और चाहता हूँ कि दो शब्द आप हम सभी के लिए उस सावर दिन के लिए कहें थैंक यू ये सच है कि जब कल या परसों दो दिन पहले जब अनिल जी और निखिल आए थे तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ एक घंटे से ज़्यादा बैठ पाऊँगा पर मुझे आज बहुत खुशी लग रही है कि ये मैं ढाई घंटे तक लगातार बैठ के ये गाने सुन रहा हूँ और इतना आनंद आ रहा है मैंने अलका जी को पी एन सक्सेना साहब को भरत कंचा साहब को और मित्रा साहब को तो सुना ही है कई बार अपने क्लब के टाइम में कोई तोड़ ही नहीं है उसका और पर आज एक नए चेहरे निकल के जो आए सलूजा साहब और ज्ञानेंद्र जी जब गा रहे थे तो मैं बार बार ये देखने की कोशिश कर रहा था ये गा भी रहे हैं या नहीं या सिर्फ लिप से ला रहे हैं और देवेंद्र चावड़ा ने भी आज एक कमाल करके दिखा दिया सभी लोगों का अगर कंपैरिजन करना लगे तो शायद बिल्कुल नहीं हो सकता सभी ने बहुत अच्छा अच्छा गाया और मैं सबसे ज़्यादा सल्यूट और प्रणमन उसको करना चाहूँगा जो इस सिटी क्लब के फाउंडर हैं जिनसे आज मेरी मुलाकात हुई है और मैं आपको हाँ श्रीवास्तव जी मैं नमन करता हूँ आपको और शेखर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पीलीभीत में ऐसा एक माहौल बना दिया कि आज तो लगता है कि मेरा थोड़ा से दिन जिंदगी के बढ़ गए हैं इतना आनंद आ गया है और एक बात मुझे और पता लगी कि आप लोगों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम एक या दो बार साल में करते रहते हैं मुझे लगता है कि अगर ऐसा कार्यक्रम हर महीने होता रहे तो हमारी उम्र तो और लंबी हो जाएगी और इसके लिए मैं जब मैं कह रहा हूँ वो एक हमारे कहावत है पंजाबी में जड़ा बोले ओयो ओयो कुंडा खोले, कुल्णा खोले। कुल्णा तो मैं ही कुंडा खोलता हूं जी मैं ही सबसे पहले ये अपनी तरफ से एक ऑफ़र देता हूं। आज ठीक 25 तारीख है और ठीक 25 तारीख अगले महीने की पूर्व संध्या होगी गणतंत्र दिवस की और यदि सिटी सिटी सिंगर क्लब के सभी सदस्य इस बात को मेरे इस निवेदन को स्वीकार करें तो मैं ऐसा ही एक कार्यक्रम अपने यहाँ होस्ट करने के लिए तैयार हूँ और और ये अगर मंथली में कन्वर्ट हो जाएगा तो माशाल्लाह क्या ज़िंदगी बन जाएगी लोगों की और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आ, आज मैंने देखा लिस्ट में सिर्फ पंद्रह लोग थे एक या दो गेस्ट में से एंट्री हुई और मैं आशा करूँगा कि अगर अगला कार्यक्रम आप लोगों ने इसकी स्वीकृति दे दी तो पंद्रह नहीं पच्चीस लोग स्टेज पे आएंगे क्योंकि तो कुछ प्रतिभाएं आपकी छिपी हुई हैं जो आपके सामने नहीं आ पाई हैं उन प्रतिभाओं को मैं आपको बता के आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। ये पंद्रह के पच्चीस होने की कोशिश करेंगे थैंक यू सो मच मुझे आज का जो समय यहाँ दिया और मुझे ये सम्मान दिया इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा थैंक यू सो मच बहुत बहुत